हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड गपशप में बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो मिल रही है राखी सावंत को लेकर। राखी सावंत ने सलमान खान पर एक बड़ा ऐलान किया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार सलमान खान लगातार चर्चा में हैं। बताया जा रहा है कि अभिनेता को कई दिनों से अजीबोगरीब धमकियां मिल रही थीं। लगातार मिल रही धमकियों के बीच भाईजान को बंदूक का लाइसेंस मिला है। सलमान खान ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बड़ार के गिरोह से जान से मारने की धमकी का हवाला देते हुए बंदूक के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। मुंबई पुलिस ने भाईजान को सभी फॉर्मेलिटी पूरी करने और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने के बाद बंदूक का लाइसेंस जारी कर दिया है। सलमान खान को बंदूक का लाइसेंस मिलने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत ने अपना रिएक्शन दिया है। क्या कहा है जरा सुनिए। आई एम डैम हैप्पी, बहुत हैप्पी हूँ मैं, बहुत खुश हूँ कि सलमान सर को गन का लाइसेंस मिल गया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं तो बोलती हूँ सलमान सर, आप टेंशन मत लो, आपको कुछ नहीं होगा। देश की पूरी जनता की दुआएं उनके साथ हैं और मैं भी उनके लिए दिन रात प्रे करती हूँ। मैंने उनके गन लाइसेंस के लिए मैंने प्रे किया था कि गॉड उनको गन का लाइसेंस मिल जाए, तो वो अपनी सेफ्टी के लिए फिर गन रख सकते हैं। एंड कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं तो सलमान खान की बॉडीगार्ड बन सकती हूँ। अच्छा, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मतलब अगर मैं वो ऐसे चल रहे हैं, अगर मैं उनके आगे से चलूं, अगर कोई गोली मारने वाला होगा तो मुझे लग जाएगी ना, भाई को नहीं लगेगी। राखी सावंत बॉलीवुड की उन सेलिब्रिटीज में से एक हैं जो कभी भी लाइमलाइट का हिस्सा बने रहने का मौका हाथ से नहीं जाने देती हैं। राखी सावंत को उनके बॉयफ्रेंड आदिल दुर्रानी के साथ स्पॉट किया गया था। इसी दौरान राखी सावंत ने सलमान खान को बंदूक का लाइसेंस मिलने पर अपने विचार साझा किए। राखी सावंत ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि भाईजान को बंदूक का लाइसेंस मिल गया है। सलमान सर, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देश की जनता की दुआएं आपके साथ हैं। मैं भी आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ और बंदूक के लाइसेंस के लिए भी मैंने प्रार्थना की थी। राखी सावंत ने आगे कहा, सलमान खान अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक रख सकते हैं और कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सलमान खान की बॉडीगार्ड तक बन सकती हूँ। राखी सावंत ने आगे कहा कि अगर उन्हें कोई गोली लगने वाली होगी तो वो सबसे पहले मुझे लगेगी। वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान इन दिनों आने वाली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस फिल्म में अभिनेता एक साथ पूजा हेगड़े, शहनाज गिल और सिद्धार्थ निगम जैसे कलाकारों के साथ नजर आने वाले हैं। वेल फ्रेंड्स, राखी सावंत के इस फैसले पर क्या है आपकी राय जरूर बताएं। देखते रहें बॉलीवुड गपशप।